जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। उठाकर ले जाते थे रात दर रात, जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में कुछ महिलाओं ने मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्ला में अपनी व्यथा को व्यक्त किया। ये संभव है कि जिनको बांग्ला नहीं आती वो उन महिलाओं की व्यथा को, क्रोध को, उनकी अवस्था को ना समझा हो, इसलिए आज उन महिलाओं ने जो बांग्ला में कहा उसका मैं हिंदी अनुवाद राष्ट्र के सम्मुख रखना चाहती हूं। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बारीर बहु देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहु सुंदर है, के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता तुम्ही शामी होते पाड़ो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा निये चोले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, जतक्षण तातेर मोनटा ना भरबे ततक्षण तुम्हार रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। बैठो 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 बैठो।